हेलो दोस्तों, कल हम संख्या पद्धति के बारे में तीन टॉपिक देखे थे, जिसमें प्राकृत संख्या था और पूर्ण संख्या था और पूर्णांक संख्या था। आज हम देखेंगे उसी सीरीज में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होता है वो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q बराबर जीरो नहीं होगा, मतलब बटे के रूप में जो होगा वो जीरो नहीं होगा। अपरिमेय संख्या क्यू पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, आ बटा जो है अपरिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और ये जो है परिमेय संख्या शांत दशमलव होता है, जैसे ये दशमलव होता है, ये शांत होता है। जैसे किसी संख्या को मतलब उसे विभाजित किया जाए तो किसी एक स्थान पर जाकर, एक दो तीन स्थान पर जाकर रुक जाता है, लेकिन लेकिन अपरिमेय संख्या ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये अशांत दशमलव संख्या होती है, ये अशांत दशमलव संख्या होती है। जैसे इसमें जो होता है, जैसे मान लो 2.777, ये रुकता ही नहीं, इसे डट 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 अनंत तक चला जाता है। और ये जो परिमेय संख्या होते हैं, ये आवृत्ति दशमलव होते हैं, ये जो है आवृत्ति दशमलव होते हैं जो बार बार रिपीटिंग किया जाते होते रहते हैं। जैसे एक दो तीन दो तीन दो तीन दशमलव के बाद ये संख्या रिपीट होता रहता है। और ये जो अपरिमेय संख्या है ये अशांत आवृत्ति वाले होते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं? अशांत दशमलव अनावृत्ति संख्या होते हैं। जैसे 2.77 इसी प्रकार के होते हैं। आगे जो है परिमेय संख्या जो है, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो परिमेय संख्या हो सकती हैं, सभी पूर्ण नंबर भी परिमेय संख्या हो सकती है, होल नंबर सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या हो सकती हैं, इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या भी जो है परिमेय संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन अपरिमेय संख्या जो है वो बस यही होते हैं, जैसे इसमें जो है पाई अपरिमेय हो जाता है, √3, √2+√3, ये सब अपरिमेय संख्या होते हैं। और परिमेय संख्या में √16, √7/22, √16, √7/22 या √22/7 ये संख्याएं होती हैं। जैसे कहा जाए कि 22/7 क्वेश्चन है, 22/7 क्या है? तो 22/7 एक क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कहा जाए पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार कहा जाता है कि यदि क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्या हैं, दो परिमेय संख्या हैं, तो क्या ए प्लस बी परिमेय संख्या होगा? ए प्लस बी परिमेय संख्या होगी। अर्थात कहने का मतलब है, अगर ये बराबर
ये बराबर 5 हो और b बराबर 0, तो क्या a प्लस b एक परिमेय संख्या होगा? हाँ या ना? होगा, क्योंकि a बराबर 5, तो a प्लस b, a का मान 5 और b का मान 0, तो 5 और 0 बराबर 0। तो यहां लिख सकते हैं, यदि a और b दो परिमेय संख्या हैं तो a प्लस b एक परिमेय संख्या होगी। यस, क्या होगी? होगी। अगला है, दूसरा है क्या a माइनस b परिमेय संख्या होगी? संख्या होगी। तो देखिए, a का मान माने हैं 5 माने हैं, a का मान 5 और b का मान 0, तो 5 माइनस 0 बराबर 5 ही होगा। तो क्या a माइनस b एक परिमेय संख्या होगी? तो परिमेय संख्या हो सकती है। क्या है? परिमेय संख्या हो सकती है। तीसरा है क्या a गुणे b परिमेय संख्या होगी? तो a गुणे b मतलब a का मान 5, 5 गुणे 0 तो क्या हो जाएगा? 0। तो 0 क्या एक परिमेय संख्या होगी? परिमेय संख्या ना होके 0 एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। इसका मतलब है 5 गुणे 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये नहीं होगी। क्या है? एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अगला है क्या a बाई b एक परिमेय संख्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। देखिए, a बाई b अगर मान लीजिए, इसमें हम a का मान 0 मान लेते हैं, a का मान 0 मान लेते हैं और b का मान जो है उसका भी मान 0 मान लेते हैं, तो क्या परिमेय संख्या हो सकती है? ये परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि 0 बाई 0 बराबर अनंत या 0, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। पांचवा देखिए क्या क्या एक के घाते भी परिमेय संख्या होगी? क्या एक के घाते भी परिमेय संख्या होगी? तो एक के घाते भी परिमेय संख्या वही है कि अगर जो है a का मान 0 और b का मान भी 0 मान लिया जाए, ये दो क्या कह रहा है, ये दो संख्या, दो परिमेय संख्या, तो 0 भी एक परिमेय संख्या हो जाता है, लेकिन अगर दोनों को मान लिया जाए तो क्या है, परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या है? परिमेय संख्या ना होके क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या होके क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी ना होके। तो दोस्तों देखते हैं, परिमेय संख्या दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होती हैं। ये पॉइंट लिख लीजिए दोस्तों, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होती हैं। अगला है, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनेक अपरिमेय संख्या होती हैं। इसी बीच दो परिमेय संख्या a तथा b के मध्य
के मतलब के बीच का मान, के बीच का परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ज्ञात करना, ज्ञात करना। ये जो है के को बीच के परिमेय संख्या या कैथी मतलब ए तथा बी के बीच कितनी जो है कितनी परिमेय संख्या आएंगी, कितनी परिमेय संख्या आएंगी। तो दोस्तों इसका सूत्र है, इसका सूत्र है जैसे प्रश्न पहले देख लीजिए, प्रश्न एक, प्रश्न एक है दो बटा पांच हुआ, दो बटा पांच हुआ चार बटा पंद्रह के मध्य कितनी परिमेय, कितनी परिमेय संख्या आएंगी, कितनी परिमेय संख्या आएंगी। तो इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, दो बटा पांच और चार बटा पंद्रह के मध्य कितनी परिमेय संख्या आएंगी। तो इसका एक सूत्र होता है ए के प्लस बी बाई, सूत्र है ए इंटू के प्लस बी बाई ए प्लस वन। ये सूत्र है, इसमें जो ए का मान होता है ये पहला होता है, इसे ए का मान ए मान लेंगे और इसे बी मान लेंगे, और कितनी संख्याएं होती हैं इसे के मान लेंगे। अब देखते हैं दो बटा पांच अर्थात दो बट ए का मान कितना है दो बटा पांच, ए का मान कितना दो बटा पांच, बी का मान कितना चार बटा पंद्रह। हमको के का मान ज्ञात करना है, इस सूत्र में के जो है मान ज्ञात करना है, उसका मान ज्ञात करना है। तो ये का तो इस सूत्र पर हम मान को रखेंगे, इस सूत्र पर इस मान को रखेंगे तो दो बटा पांच गुड़े के, दो बटा पांच गुड़े के थोड़ा गड़बड़ होगी भाई, तो दोस्तों थोड़ा इसमें प्रश्न में थोड़ा गलती हुई, मतलब गलती हुई है। इसमें जो कहा जाएगा कि मतलब जैसे पैंसठवीं चौथी पांचवी इस प्रकार की, मतलब यहाँ जो के का मान रहेगा वो मान लो पैंसठवीं है, पैंसठवीं परिमेय संख्या क्या होगी, ऐसा प्रश्न रहेगा कि दो बटा पांच व चार बटा पंद्रह के मध्य पैंसठवीं परिमेय संख्या कौन, मतलब पैंसठवीं परिमेय संख्या कौन सी होगी। मतलब ये कहा गया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होती है, तो इसमें लाखों हो सकती है, हजारों हो सकती है, इससे भी कम इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। तो इसमें कहा गया कि पैंसठवीं परिमेय संख्या कौन सी होगी, तो इसमें देखिए जो के का मान है वो है कितना पैंसठ, वो कितना है पैंसठ है। अब देखिए दो बटे एक के मतलब दो बटे पांच गुड़े पैंसठ प्लस बी का मान रखेंगे तो बी का मान होगा चार बटे पंद्रह बाई ये का मान है दो बटे पांच प्लस एक, इस तरीके से सूत्र पर लगेगा। अब इसको हम जो है यहां होगा के प्लस वन, के प्लस वन तो यहां होगा पैंसठ प्लस, पैंसठ प्लस वन। अब इसको देखते हैं हम जो है इसको हम क्या करते हैं पांच को काट देते हैं, पांच करने पांच तेरह बच्चे पैंसठ, तो ये हो जाएगा जो है तेरह दुनी छब्बीस प्लस चार बटा पंद्रह, चार बटा पंद्रह बटे पैंसठ और एक छाछठ, पैंसठ और एक पैंसठ प्लस एक छाछठ, पैंसठ प्लस एक छाछठ। आगे देखेंगे ये हो जाएगा जो है हम गुणा करेंगे 15 और 26 का तो हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 90 के जीरो
और 15 दुनी 30 और 9 29, 15 दुनी 30 और 9 39, 39 प्लस 4 15 दुनी 30 15 छक्का 90 0 15 दुनी 30 और 9 39 39 और ये हो जाएगा 4 बटे 15। 15 को नीचे जाने देंगे तो हो जाएगा 15 और गुड़े ये 65 और प्लस 66 कितना हो जाएगा 66। आगे देखेंगे, अब इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 394 भाई 15 गुड़े 66 तो 15 दुनी 30 बचा इसमें 5 15 से नहीं कटेगा दोस्तों, ये कटेगा 66 से देख लो, 15 से ना कट के ये कटेगा 66 मतलब 2 से देखते हैं काट के 2 9 18 और 2 7 14 197 और 2 33 2 66 33 2 66। अब 3 से देखते हैं दोस्तों तो 3 6 18 नहीं कटेगा, 3 6 18। अब इसका हो जाएगा 33 197 बटे 15 गुड़े 33 बराबर हो जाएगा 197 बटे 490। यही आंसर होगा दोस्तों, बाकी आगे अगर जो कटता है वो देखिएगा यही आ जाएगा। इनमें जो 65वीं जो है ये 65वीं जो संख्या होगी वो 197 बटे 490 होगी, 197 बटे 490 होगी। इसी तरीके से अगला एक सवाल देखते हैं दोस्तों, तो इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है 3/4 3/7 हुआ 3/7 3/7 3/7 हुआ जो है 15/4 के मध्य 3/7 व 15/4 के मध्य जो है 56वीं परिमेय संख्या क्या होगी, 56वीं परिमेय संख्या क्या होगी। तो उसी सूत्र के अनुसार दोस्तों जो पहले बता रहे थोड़ा कम समझ में आया होगा, काटने पीटने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी उसमें देख लीजिएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो इसमें देखिए सूत्र वही है, ए के प्लस बी बाई के प्लस वन। अब इसमें ए का मान ये हो गया, बी का मान जो है 15/4 हो गया, ये जो 65वीं है ये के का मान हो गया। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं, अब हम इस सूत्र पर अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3/7 गुड़े 56 प्लस 15/4 बाई 56 प्लस 1 बाई 56 प्लस 1। तो इसमें जो हो जाएगा तो 7 और 56 है तो यहां काम करेंगे 7 8 56 इसको काट देंगे तो हो जाएगा 8 3 24 प्लस 15/4 है, यहां पर हो जाएगा 24 प्लस 15/4 बटे 56 1 57 हो जाएगा, 56 1 57 हो जाएगा। आगे देखें तो फिर हम देखेंगे 24 चौका इस 24 को इसमें गुणा करके प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 24 चौका 96 प्लस 15/4 को नीचे जाने देंगे गुणे में हो जाएगा, 4 जब नीचे जाएगा भाग में तो गुणा हो जाएगा वहां 54 57 गुणे 4। अब हो जाएगा 56 प्लस 15 6 5 11 के 1 9 1 10 11 111 बटे 7 28 और 4 5 20 और 2 22 111 बटे 228 इसको काट भी सकते हैं,
कट सकता है तीन से, तीन से कट सकता है, तीन त्रिका नौ, तीन सते इक्कीस, तीन त्रिका नौ बच्चा कितना दो और तीन सते इक्कीस, और इसको काट सकते हैं तीन सते इक्कीस बच्चा एक तीन छक अठारह, मतलब ये जो आंसर आएगा 37/76 जो है इसके 3/7 तथा 15/4 के मध्य जो है 56वीं परिमेय संख्या होगी 37/76 होगी, कितना 37/76। एक बार फिर से देखते हैं 3/7 दोस्तों, 3/7 व 15/4 के मध्य 65वीं परिमेय संख्या क्या होगी, इसमें सूत्र अप्लाई होगा ए के प्लस बी बाई के प्लस वन, इसमें हम ए का मान मानेंगे पहला वाला 3/7, बी का मान मानेंगे दूसरा वाला 15/4 और के का मान मानेंगे 56। इसमें हमने क्या किया 3/7 × 56 मल्टीप्लाई करके 7 से जो है 56 को काट दिए प्लस 15/4 और ये 56+1 को जोड़ दिए, 56+1 को जोड़ दिए 57 हो गया और ये 8 × 7=56 तीन से गुणा कर लिया 8 × 3=24, 24+15/4 24 को 4 से गुणा कर लिया गया 96, 24 को 4 से गुणा कर दिए 96 प्लस इसको 15 कर दिए 57, ये जो 4 है 4 इसको हम नीचे करके गुणे में ला दिए मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 57 × 4, 96+15 = 111 हो गया प्लस 97 × 4 228, अब ये जो है 111/228 तीन से विभाजित हो जाता है, इसलिए 3 × 9 = 37/76 अर्थात इन जो है इस प्रश्न में 3/7 व 15/4 के मध्य कौन सा 37/76 ये आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा होने के कारण ज्यादा लंबा हो जाएगा, आधे घंटे का हो जाएगा, इसलिए हम ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं। अगला जो है हम अगला पार्ट कल लाएंगे और उसमें हम चक्रीय परिमेय चक्रीय जो है सम विषम आभास अभाज्य ये संख्याएं बताएंगे, दो तीन घंटों में हम ये बता देंगे। फिर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।